हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट चैनल। अप टू डेट चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है भारत के रिकॉर्डिंग। दोस्तों, आप लोग जैसे जानते होंगे कि ट्विटर की जो मोनोपोली हर जगह एक जैसी होती है, चाहे यूएसए हो, इंडिया हो, चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी कंट्री हो, यहाँ भी वही हुआ है। ट्विटर ने अपना मोनोपोली दिखाने की कोशिश की थी नाइजीरिया में। दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है ये आप जानने के लिए यहाँ पे पहले जानते हैं कि नाइजीरिया है कहाँ और हुआ। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप ये वेस्टर्न साउथ इन साउथ में गल्फ ऑफ गुनिया की तरफ एक नाइजीरिया कंट्री है। दोस्तों, नाइजीरिया एक अलग कंट्री है और नाइजर एक अलग कंट्री है। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, इसके ये नाइजीरिया है, नाइजीरिया का ही पड़ोसी है नाइजर। इसका डिटेल में मैप का देखते हैं। ये है नाइजीरिया का मैप और इसकी राजधानी हो अबूजा है। अबूजा एक कैपिटल है, लेकिन इसकी जो बड़ी सिटी है वो लागोस है। लागोस एक कोस्टल सिटी है, जैसे हमारे यहाँ कैपिटल है न्यू दिल्ली, लेकिन जो बड़ा शहर है वो मुंबई है। सेम वैसे ही यहाँ पे लागोस बड़ा सिटी है और इम्पोर्टेंस भी रखता है ट्रेड के मामले में। दोस्तों, मेन यहाँ पे नाइजीरिया में जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो ट्विटर है वो नाइजीरिया का जो प्रेसिडेंट है मुहम्मद बुहारी, उनका ट्विटर अकाउंट उन्होंने बैन कर दिया है। दोस्तों, ये काफ़ी गलत चीज़ है। किसी भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का ऐसे आम इंसान की तरह उनका ट्विटर अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बैन करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है वो उस कंट्री के लिए प्राउड की बात होती है। अगर ऐसे अगर कोई बैन होता है तो उस कंट्री का भी कुछ इमेज डाउन होता है। सेम यहाँ पे भी यही फील करते हुए नाइजीरिया ने ऐसा फील किया और उसने ट्विटर से अपना बदला लेने के लिए वो ट्विटर पे बैन लगा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, बीबीसी का आर्टिकल है, नाइजीरिया ट्विटर बैन, द पीपल रिस्क अरेस्ट टू द ट्वीट। दोस्तों, यहाँ पे ये भी हुआ है कि अगर ट्विटर जो जो बैन हुआ है नाइजीरिया में, अगर कोई वहाँ का नाइजीरियन सिटीजन जो ट्विटर यूज कर रहा है अगर चोरी छुपे या किधर से, तो उसको भी अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब नाइजीरियन गवर्नमेंट इस तरह से मतलब ट्विटर से खफा हुई है कि वो टोटली एकदम ट्विटर को बाइकॉट करना चाहती है। और इसमें बेनिफिट मिला है दोस्तों इंडिया का। देख, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये कू ऐप पे नाइजीरियन गवर्नमेंट का अकाउंट है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कू ऐप के लिए भी। कू ऐप में पहला ये गवर्नमेंट अकाउंट है वो नाइजीरिया का। यहाँ तक कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के, यानी नरेंद्र मोदी या ऐसा किसी का, मतलब बड़े बड़े लीडर कू ऐप पे मतलब शिफ्ट हुए हैं, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट का है वो अभी जैसे नरेंद्र मोदी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ऐसा अभी नहीं हुआ है। देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया क्रिएट ऑफिशियल अकाउंट ऑन कू फॉलोइंग ट्विटर बैन। दोस्तों, इस न्यूज़ को काफ़ी कवरेज मिल रहा है। इसमें कू को ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें एक कू को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और ये फेमस होने का उसका एक कारण ये भी हो सकता है इन फ्यूचर। और जैसा ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट ये भी आपस में भिड़ी हुई है, आप जानते ही हैं कि ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में इस समय काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है। और ट्विटर का भी अभी रवैया अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो वो भी सही नहीं था इंडिया के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एम वेंकैया नायडू जी, उनका जो ट्विटर अकाउंट था, पर्सनल ट्विटर अकाउंट, उस पर से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था, जो काफ़ी इंसल्टिंग बात है किसी भी हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था ट्विटर को। और सेम आप देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, गवर्नमेंट गिव वन लास्ट नोटिस ऑन द ट्विटर टू कम्प्लाई विद द आईटी रूल, वार्म एक्सटेंशन फ्रॉम द लाइबिलिटी विल द विदड्रॉ ऑन द नॉन कम्प्लीट। गवर्नमेंट भी ट्विटर से खफा हो सकता है कि भारत सरकार भी कुछ ऐसा एक्शन ले जैसा नाइजीरिया ने हिम्मत दिखाई है। यहाँ पे हमारे रविशंकर प्रसाद जी का लॉ मिनिस्टर है, उनका ये ट्विटर को लास्ट वार्निंग दिया गया। देखते हैं आगे लास्ट वार्निंग के बाद गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। या दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे ट्विटर ने अभी हाल फिलहाल में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था, जो मेरे हिसाब से ये सब गलत है। ट्विटर की ये मोनोपोली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको आप कमेंट में बताइए, और आपको क्या लगता है ट्विटर का ये सब करना सही है, और या फिर जो जैसा नाइजीरियन गवर्नमेंट ने किया है क्या इंडियन गवर्नमेंट भी कर सकती है? अगर करें तो इसमें सही क्या है और गलत क्या है, जरूर अपने अपना व्यू दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब इट।